तो आरसीबी से हार के बाद और प्लेऑफ से बाहर होने के बाद एमएस धोनी जब हाथ मिलाने जा रहे थे तो उन्होंने किसी से बात करी, डिस्कशन करके वो वापस मुड़ गए और हाथ मिलाने नहीं गए आरसीबी के प्लेयर से, जिसको देखने के बाद सभी शॉक हो गए। पीछे की तरफ से वो निकल गए, पता नहीं किस बात को लेकर निकल गए। ना उन्होंने विराट कोहली से हाथ मिलाया, ना ही डुप्लेसी जो आरसीबी टीम के कैप्टन है उनसे हाथ मिलाया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि भाई धोनी ने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, या तो भाई विराट कोहली ऐसा एग्रेशन दिखा रहे थे जिस वजह से भाई धोनी को ऐसा लगा कि भाई विराट कोहली ने ज़्यादा एग्रेशन दिखा दिया, उनका ऐसा लगा हो कि भाई हाथ नहीं मिलाना या कुछ भी उनके अंदर चल रहा हो। हाथ नहीं मिलाया भाई उन्होंने और उसके बाद वो पीछे की तरफ ड्रेसिंग रूम में चले गए, क्योंकि भाई बहुत ही निराश और हताश नज़र आ रहे थे। एमएस धोनी बिल्कुल भी खुश नहीं थे आरसीबी की भाई इस एग्रेशन से और भाई सीएसके की परफॉर्मेंस से। लेकिन भाई प्लेऑफ में तो पहुंच गई आरसीबी, चाहे अब जो भी हो, लेकिन भाई धोनी ने सही नहीं किया।